तो को ना बोलो अब तेरी संतान जिंदी बच चुकी है, पता नहीं बोलो मेरे साले उसे कंस को क्या समझ आ गई कि जिसने पहली संतान को जिंदी छोड़ दी, बोलो इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, अगर मैं वध करूंगा तो आठवीं संतान का करूंगा। और देवकी अपने पुत्र को गोदी में लेती है, बड़ा लाड प्यार करती है। देवकी और वसुदेव खुशी मना रहे थे और पीछे से पहरादार जाते हैं, राजा के भेजे हुए मंत्री ताबेदार जाकर के देवकी और वसुदेव दोनों को घेरा दे करके पकड़ते हैं। बोलो हमको पकड़ने का क्या कारण है? बोलो आपको अब राजा ने बुलाया है। कनस के दरबार में लेकर के आते हैं। देवकी के गर्भ से जन्म ली हुई संतान को कनस अपने हाथ में लेता है, हाथ में लेकर के शिला में मारता है, उसे खत्म कर देता है, संतान को खत्म कर देता है। देवकी और वसुदेव को कारागृह के अंदर बंद पटक देता है कि आज से देवकी और वसुदेव इस कारागृह के अंदर रहेंगे, मेरे पूछे बिगर कोई कुछ नहीं कहेगा, दिन रात इनका खड़ा पैरा लगेगा और जब जब देवकी के गर्भ से संतान होगी जब मुझे खबर करना पड़ेगा। इस प्रकार से लाकर के कारागृह में बंद कर देता है। और कारागृह में बंद करने के पश्चात एक संतान जो पहले हो चुकी थी उसके बाद में देवकी के गर्भ से पांच संतानों का और जन्म होता है। और पांचों पुत्रों का जन्म होते ही कनस को खबर पड़ता है, एक एक करके नौ नौ मास व्यतीत होने के पश्चात संतान जन्म ले रही थी सबको कनस खत्म कर देता है। देवकी के सातवां गर्भ जो शेषनाग भगवान बलराम आता है, और देवकी के सातवें गर्भ को जब सातवां गर्भ और देवकी का बढ़ना शुरू होता है और इधर से धरती पर भार चढ़ जाता है और धरती का भार जो माँ पृथ्वी झेल नहीं पाती है, एक गौ का रूप बना करके भगवान विष्णु के दरबार में जाती है। हे भगवान विष्णु, मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, बोलो मेरे ऊपर भार चढ़ चुका है, उस भार को मैं सहन नहीं कर सकती, अब आपको अवतार लेना पड़ेगा और राक्षसों का वध कर करके धरती का भार उतारना पड़ेगा। बोलो हे पृथ्वी, आप चिंता मत कीजिए, आप चल करके और मृत लोक में जाओ, आपका कार्य संभालो, जब जब ज्यादा भार चढ़ेगा तब मैं मृत लोक में आकर के अवतार लूंगा, जो जो पापी मेरा नाम का राम नहीं लेते और जो जो पापी बोलो पाप करते हैं उन पापियों का नाश करूंगा। समय बीता हुआ जा रहा था, पृथ्वी वहां से कहकर के आ जाती है और उधर से देवकी के गर्भ में भगवान का जो वास था शेषनाग का, भगवान विष्णु बैठा हुआ क्षीर समुद्रा अपने पास में योग माया को बुलाता है। योग माया को बुला करके कहता है कि आपको एक काम करना होगा, जो देवकी के गर्भ के अंदर जो शेषनाग जिससे त्रेता युग की बात है, जो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, लक्ष्मण छोटा था राम बड़ा था, राम और लक्ष्मण की बातें थी, राम ने लक्ष्मण को वरदान दिया था कि जा लक्ष्मण शेष भगवान और भगवान विष्णु सदा एक रहा करते हैं, चल बोलो कोई बात नहीं, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि अगला जो द्वापर के अंदर अपना जन्म होगा तो बोलो तू मेरे से बड़ा होगा और मैं तेरे से छोटा होऊंगा, अब की बार तू मेरे से छोटा है मैं तेरे से बड़ा हूँ, अगले जन्म के अंदर बोलो तू बड़ा होगा और मैं छोटा होऊंगा। देवकी के गर्भ में बसा हुआ बलराम योग माया को जगा करके कहता है कि आपको जाना होगा और जाकर के देवकी के गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डालना होगा। योग माया कहती है कि भगवान मेरी क्या होगा, मैं क्या करूं? बोलो आप देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में डालोगी, फिर आप जाकर के गोकुल के अंदर नंद के घर जन्म लोगी, यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म होगा, वो योग माया आप होगी और उसी रात में मेरा जन्म कारागृह के अंदर कनस की नगरी के अंदर वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से मेरा जन्म होगा। और बोलो अपने को दोनों को उल्टा सुल्टा किया जाएगा, वो काम मेरा होगा, वो सबको चमत्कार मैं दिखाऊंगा। बोलो ये बात होती है कि तू अगर मेरे साथ ही जन्म लेना चाहती है तो मेरा जन्म देवकी के गर्भ से होगा तो तेरा यशोदा के गर्भ से होगा। योग माया चलती है, देवकी का गर्भ छीन कर करके रोहिणी के गर्भ में डालती है, जो आगे जाकर के बलराम होता है जो भगवान कृष्ण से बड़ा था। अब
इधर से समय बीता हुआ जा रहा था। कंस को ये पता चलता है कि देवकी का सातवा गर्भ छीन हो गया। दिन रात सकत पैरा लगवा देता है कि अब जन्म होगा तो आठवीं संतान का होगा और वो आठवीं संतान ही मेरा काल होगा। इधर से एक कुंभ का मेला हर साल की भांति चार साल में नगर में लगा करता था। नदी के पास में एक कुंभ का मेला चार वर्ष में लगा करता था और कुंभ का मेला देखने के लिए सब नरनार जा रहे थे। देव की मन में विचार करवा लागी कि अगर मैंने वह सुदेव नगर ऑर्डर दे दे कनस तो मैं भी कुंभ को मेलो देखवा जाऊं। बड़ी प्रसन्न होती है, भाई से मिलती है, बोलो कनस अगर तेरा आशीर्वाद हो जाए तो मैं जाकर के कुंभ का मेला देखने के लिए जाना चाहती है। कनस देखवा लाग गयो। हे भगवान, बोलो अबला स्त्री है, इसकी अंतिम इच्छा पूरी करनी है। बोलो ये गर्भवती तो अब है नहीं, गर्भ छीन हो चुका है, आठवीं संतान कब की कब जन्म लेगी। बोलो जय बने तो एक काम कराता, बोलो इन्हें भेजता वसुदेव और देवकी को कुंभ का मेला देखने के लिए भेजता है। चलती हुई कुंभ का मेला देखने के लिए जाती है, जाकर के नदी के घाट के ऊपर खड़ी होती है। एक घाट पर खड़ी हुई देवकी रुदन मचा रही थी, एक एक आंख से सौ सौ आंसू पड़ रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रही थी। एक घाट पर वसुदेव बैठा हुआ रुदन मचा रहा था। इधर से गढ़ गोकल से चलकर के नंद की घरवाली यशोदा आती है, रोती हुई अबला को देखती है और एक दुखियारी से पूछती है तो क्या पूछ रही थी और किस प्रकार से देवकी का दुख बताने के पश्चात एक यशोदा धर्म की बहन जो देवकी की बन रही थी। क्या पाने आग और जग दिन की तो रात देव की बोली मेरे दिन की वेगी परमात्मा देव की कह छो सुन काया मैं साधो ये भगवान तुम्हारी माया मेरो लाग गो देख बुरी को बाटो अर बीरो समझ को ना विदातार मेरे खुद गो कैसे सुन कर माँ को खाटो दुखियारी रोवणे लागे गिरे को दुख पावे परमात्मा मन में करी सोच भी सारे रूस गयो भगवान विदाता जगो जीवो छोबे कार कदया डोया वे गो मैं नहीं तिर लोकी करे तारे लाज शर्म में डूबे गिर रूसो तिर लो ये भगवान तुम्हारी माया कैसे लाख करी को सीत है रया क्या पानी आ गयो रया बालागी बहुत पुरानी रीत
दुख पड़ गो काया मैं परमात्मा बात जो खे दी विसवे पीस गाठ पर रोवणे लागे गिरध को दुख पावे यशोदा दुखड़ो समझ गिर बोलो अब पड़ेगी अनजाना ने जाने अरे तू दुखियारी से तो लाडली मेरी बन जा देख धर्म की बहाने अरे मैं तेरी नया डिया होंगी र तेरी देख सतावे काने प्यार प्रेम में डूबने लागे गिर भरण ये ईश्वर परमात्मा जब आप सरी की बात बता दी खास है अर देव की बोली दर थी फाट गिर मेरा जोड़ी को फाट गयो या कास है अर मेरो बीरो कनस समझे ना मेरो करवा तारो सत्या नास है वाकुन वाको गारो वे गयो रे को तुपे कोई मिर्गी की शिकायत है कि